हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग लैब पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडोनेशियन बास्केटबॉल लीग में जो आज का 5th मुकाबला होने वाला है, AHJ वर्सेज NMG के बीच जो आज का बास्केटबॉल मैच होने वाला है। उस मैच के बारे में आपको इसलिए बताएंगे कि किस प्लेयर को आप पिक करके चले, किस को ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए समो लिख ले, कौन सा प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लिख ले, कौन सा प्लेयर आपके लिए SP के रूप में और कौन सा प्लेयर आपके लिए PP के रूप में बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बात करते हैं इस मैच के कॉन्टेस्ट के बारे में। तो इसमें आप एक टीम के लिए ₹25 से एंट्री कर सकते हैं और ₹1,00,000 तक पैसे विन कर सकते हैं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 11 टीम लगा सकते हैं और हम आपको जो टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपके अच्छी खासी रैंक आने वाली है, इसलिए लिंक एंड डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब हम ड्रीम टीम के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक पर एक विजन 11 का लिंक दे रखा है। उस लिंक पर अभी आप विजिट करके उस ऐप को अभी डाउनलोड करें, रेफर कोड भरकर हम उसमें आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि उसमें आप कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे विन कर सकते हैं, यानी कि लो एंट्री फीस उसमें कम है और उनमें विनिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो आप अभी विजन 11 को अभी डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर वो कड़वासा 11 उसमें रेफर कोड भी दे रखा है दोस्तों। तो रेफर कोड हमारा, रेफर कोड भरने पर आपको एक अच्छा खासा बोनस मिलने वाला है। तो ड्रीम टीम के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हम ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन से रिलेटेड हर रोज़ वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अब हम बात करते हैं हमारी ड्रीम टीम के बारे में। तो हम अपने ड्रीम टीम में आज 2 पॉइंट गार्ड, 2 शूटिंग गार्ड, 2 स्मॉल फॉरवर्ड, 1 पावर फॉरवर्ड और 1 यहाँ पर सेंटर लेकर चलने वाले। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट गार्ड के बारे में, जो कि नेव की को जो कि NMG की तरफ से खेलते हैं। 81 के लगभग सेलेक्ट पॉइंट है, 300 के लगभग इस लीग में पॉइंट कवर कर रखे हैं। अगर इनके लीग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, 326 अभी तक इन्होंने बड़े लीग मैच प्ले कर रखे, तो एक्सपीरियंस प्लेयर है दोस्तों। अगर इनके इस लीग में पिछले कुछ मैचेस के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, 58 के लगभग 43, 46, 47 यानी हर मैच में लगभग 50 या 50 से ऊपर पॉइंट कवर करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास एज ए पॉइंट गार्ड के रूप में होने वाले। अब हम बात करते हैं पुरवंटो के बारे में, जो कि AHJ की तरफ से खेलते हैं। 121 के लगभग इन्होंने पॉइंट कवर करके 68 के लगभग इनका सेलेक्टेड परसेंट है। अगर इस लीग के मैच के बारे परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो एक मैच में इनका थोड़ा वीक परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन हर मैच में 20 या 20 से ऊपर पॉइंट कवर करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में होने वाले हैं। शूटिंग गार्ड के बारे में बात करते हैं, नैनो एक अच्छा खासा शूटिंग गार्ड, 18 के लगभग सेलेक्टिव रेंट है। सेलेक्टिव रेंट बहुत कम है क्योंकि इन्होंने अभी तक 96 लीग मैच प्ले किए हैं दोस्तों, यानी कि कम एक्सपीरियंस, थोड़े कम मैच प्ले कर रखे हैं। 122 के लगभग इनका पॉइंट लेवल है दोस्तों, हर मैच में लगभग 15 से 40 के बीच पॉइंट कवर करते हैं, तो आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में। तो समोल लीग में इनका आप ड्रॉप लेकर चल सकते हैं, अगर आप ग्रैंड लीग टीम बनाते हैं तो ग्रैंड लीग में इनको लेकर चल सकते हैं एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में। मिशेल के बारे में बात करें, जो कि NMG की तरफ से खेलते हैं, 52 के अलावा सेलेक्टिव रेंट है, 75 के अलावा इन्होंने पॉइंट कवर करके। अगर इनके लीग मैच के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हैं दोस्तों हर मैच में 15 या 15 से ऊपर पॉइंट कवर करते हैं, तो आप बास्केटबॉल में आपको पता है दोस्तों 15 पॉइंट कवर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, तो आप अपनी टीम में मौका दे सकते हैं इनको एज ए शूटिंग गार्ड के रूप में। स्मॉल फॉरवर्ड के बारे में बात करें, स्मॉल फॉरवर्ड में सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है कॉटन और अमीर के रूप में, जो कि दोनों बेस्ट प्लेयर है दोस्तों, तो दोनों प्लेयर को आप अपनी टीम में मौका दे सकते हैं। हम अपनी पहली टीम में इनको नहीं ले सके, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि हर आप बेस्ट प्लेयर को आप अपनी टीम में लेकर चले, इसलिए हमारे पास इनका लिए ये पॉइंट लेवल की भी जरूरत होती है, इसलिए हम इनको अपनी टीम में पहली टीम में नहीं लेकर चलने वाले, लेकिन हम अपनी अगली टीम में इनको जरूर दोनों को जरूर लेकर चलने वाले दोस्तों एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूप में। हम अपनी पहली टीम में फर्नांडी को अपनी टीम में एज ए स्मॉल फॉरवर्ड लेकर चलने वाले हैं। 65 के लगभग सेलेक्टिव रेंट है, 85-7 के लगभग इन्होंने पॉइंट कवर कर रखे। अगर इस लीग के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक मैच में ड्रॉप चले थे, लेकिन हर मैच में 20 से ऊपर पॉइंट कवर करते हैं, तो आपके पास एक अच्छा खासा स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में होने वाले हैं दोस्तों। प्राणाटा के बारे में बात करें, तो 91 के लगभग पॉइंट कवर करके हर मैच में लगभग 25 के लगभग पॉइंट कवर करते हैं, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में होने वाले। पावर फॉरवर्ड के बारे में बात करें, तो ऑपिरिलियन सबसे पहले एक अच्छा खासा पावर फॉरवर्ड ऑप्शन आते हैं दोस्तों। वैसे आपके पास यूएनएस भी एक अच्छा खासा पावर फॉरवर्ड है, ये इन दोनों प्लेयर के अलावा और भी और कोई आपके पास एक अच्छा खासा पावर फॉरवर्ड के रूम में नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप लिन के बारे में बात करें, तो 40 के लगभग इनका सेलेक्ट रेंट है, 129 के लगभग पॉइंट कवर करके। अगर इस लीग के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हैं दोस्तों हर मैच में लगभग 20 से 40 के बीच पॉइंट कवर करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन एज ए पावर फॉरवर्ड के रूम में आपके पास होने वाला है।
सेंटर के बारे में बात कर से रहा। आपके पास एक अच्छा खासा सेंटर जो कि हमें एज ए एच जी की तरफ से लेकर चलने वाले 81 के लगभग सेलेक्टेड फ्रेंड है। 95 के लगभग पॉइंट कवर करके हर मैच में लगभग 25 से ऊपर पॉइंट कवर करते हैं। वैसे आपके पास वेटर्स भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है। वेटर्स को भी हम अपनी अगली टीम में लेकर चलने वाले एज ए सेंटर के रूम में। एस पी 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 के बारे में बात करें तो नेव क्रिक को हम अपनी टीम में एस पी और मिशेल को अपनी टीम में एज ए पी पी के रूम में लेकर चलें तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हम ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन से रिलेटेड हर रोज़ वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और विजन इलेवन ऐप दोस्तों आप लिंक पर जाकर अभी डाउनलोड करें, क्योंकि कम पैसे इन्वेस्ट करके आपको ज़्यादा पैसे विन करने को मिलेगा।